नमस्कार बच्चों, मैं रेणु द्विवेदी और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का तीसरा पाठ भिखारी। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ समर्पण और दूसरा पाठ मोरोवाला स्कूल पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले आपको इनके लेखक के विषय में बताएंगे। बच्चों, आपका तीसरा पाठ कौन सा है? भिखारिन। तो इस पाठ में बच्चों, ये भिखारिन पाठ एक माँ की ममता से संबंधित है। इस पाठ में एक भिखारिन माँ एक दूसरे के बच्चे को अपनी ममता, अपना प्रेम दे करके उसको निस्वार्थ भाव से उसका पालन पोषण करती है, और वो किसी लालच से नहीं बल्कि अपने बच्चे के समान, अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी देती है। ये पाठ इसी से संबंधित है कि एक माँ की ममता किस प्रकार निस्वार्थ होकर के अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। तो बच्चों, आइए इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताते हैं। बच्चों, स्वार्थ कभी कभी किसी को लोभ के कारण अंधा भी कर देता है, किंतु माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। बच्चों, माँ की ममता चाहे अपनी संतान के लिए हो या फिर उस अनाथ बालक के प्रति जिसे इस कहानी की भिखारिन ने पाला था, माँ की ममता कभी भी भेदभाव नहीं करती है। इस कहानी में बताया गया है कि माँ किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और किस प्रकार वो प्यार करती है बच्चों को अपने, और उसको किस तरीके से अपने संतान से भी ज़्यादा चाहती है। तो बच्चों, आइए अब हम इससे संबंधित कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले इसके लेखक के विषय में जानकारी देंगे कि इस पाठ के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आप लोग इनके विषय में पहले से जानते होंगे, लेकिन हम आपको इनका छोटा सा परिचय देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। बच्चों, वे विश्व स्तरीय साहित्यकार थे। उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों, आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ परिचय ले लिए होंगे। आप लोगों ने इतना तो जान लिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उन्हें उनकी रचना किस रचना से उनको नोबेल पुरस्कार मिला, किस रचना से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने अपने देश का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान कौन सा राष्ट्रगान करने का गौरव उन्हें प्राप्त है, उनका निधन कब हुआ, तो ये सब जानकारी तो आपको मिली गई होगी। तो आइए
अब हम अपना अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले आपको पाठ के कुछ कठिन शब्दों से अवगत कराते हैं, जिसे हम शब्दावली कहते हैं। अब उन कठिन शब्दों में जैसे सहृदय, दयावान, पल्लू, आंचल, प्रयत्न, कोशिश, हांडी, मिट्टी का घड़ा, वक्ष, छाती या सीना, ज्वर, बुखार, जमा पूंजी, जमा की हुई रकम, आशीष, दुआ या आशीर्वाद, पत्थर में झोंक ना लगना। बच्चों, ये आपका आपके चैप्टर का एक मुहावरा है जिसे हम प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तो आपके चैप्टर का ही है। पत्थर में झोंक ना लगना, कुछ अंतर ना पड़ना, कुछ असर ना पड़ना होता है। ठहाका लगाना, जोर से हंसना, धरोहर, अमानत। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आशा है कि आप लोग अपने कठिन शब्दों से जो है कुछ जानकारी ले लिए होंगे, आपको अपने कठिन शब्दों से कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं, आपके पाठ का सारांश दिखा रहे हैं। बच्चों, इसमें एक अंधी बुढ़िया होती है जो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और दर्शन करने वाले लोग दर्शन कर करके जब बाहर निकलते हैं तो वो अपना हाथ उन लोगों के सामने आगे फैला देती है, उनके सामने फैला देती है और विनती करती है कि बाबूजी, अंधी पर कुछ दया करो। वह जानती थी कि मंदिर पर आने वाले लोग बहुत अच्छे हृदय के होते हैं, उनका हृदय बहुत दयालु होता है। और बच्चों, उसका यह अनुमान गलत नहीं था। आने वाले लोग उसके हाथ में दो चार पैसे रख दिया करते थे और कुछ औरतें भी उसको कुछ अनाज वगैरह थोड़ा थोड़ा दे देती थी। तो इस प्रकार वह सुबह से शाम तक इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती थी और उसके पश्चात वह भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता और उससे आकर के लिपट जाता और वह अंधी बुढ़िया उसको टटोलती हुई उसका माथा बार बार चूमने लगती, चूमती और उसको बहुत प्यार दुलार करने लगती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित ना था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस ने उसे अकेले देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसी गोद में एक छोटी बच्ची को देखा। वह बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और वह अंधी बुढ़िया उसके माथे को चूम चूम करके उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी और वो चुप नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में वो शांत हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है। उस दिन से वो बच्चा उसके पास रहने लगा, प्रसन्न रहता था और वो अंधी बुढ़िया उसको अपने से अच्छा खिलाती, पहनाती और प्यार करती थी और वो उसी के पास रहने लगा। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी
जो रुपए मांग कर लाती उसी में डाल देती और किसी भी वस्तु से उसको, किसी एक वस्तु से उसे ढक देती थी, इसलिए कि कहीं उसको कोई और ना देख ले, क्योंकि वो अंधी थी और अंधी थी तो उसको खुद भी नहीं कुछ देख पाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो किसी और की निगाहों में ना आए। अन्न भी उसको काफी मिल जाता था जिससे उसका काम चल जाता था। वह बच्ची को पहले भर पेट खाना खिलाती, उसके बाद में वो खुद खाती। बच्चों, वो उसका खुद का बच्चा नहीं था, फिर भी वो दूसरे के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए कितना ज्यादा अपनी ममता और प्यार लुटा रही थी। वो उसको अपना ही बच्चा लगने लगा और रात में उसको अपने हृदय से लगा करके, सीने से चिपका करके सुलाती थी और सुबह उठ करके फिर से वो मंदिर सुबह से शाम तक के लिए चली जाती थी। ऐसे करते करते उसके पास काफी रुपए हो गए थे जिससे हांडी लगभग पूरी तरह भर गई थी। एक दिन उसे कुछ आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हांडी जो है, इस हांडी को कोई और देख ले और इसके रुपए को चुरा लेना जाए, चुरा ना ले जाए। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, परंतु वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा माने जाते थे। अंधे ने हानि सेठ जी के आगे सरका दी और उनसे डरते हुए कहा। डरने का कारण ये हुआ बच्चों कि वो सेठ बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े धनवान थे और वो बिचारी कहाँ, अंधी गरीब सी भिखारिन, अपने द्वारा जो थोड़ा बड़ा धन इकट्ठा की थी वो किसी के पास धरोहर रखने के लिए गई थी। तो वो सेठ जी से कहती है इसे अपने पास जमा कर लें, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती हूं तो डरती हूं, इसलिए कृपा करके इसे आप अपने कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर देखते हुए कहा इसे बही खाते में जमा कर लो। अब इसके पश्चात 2-3 वर्ष उसका बहुत सुखपूर्वक बीता। इसके बाद एक दिन उसके लड़के को बहुत जोर का ज्वर आ दबाया, अर्थात बहुत तेज बुखार आ गया। अब बिचारी अंधी बुढ़िया क्या करती, वो अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और बोली सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे हमें डॉक्टर को दिखाना है। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अब बिचारी अंधी बूढ़ी वहीं पर जमीन पर बैठ गई। उसने रो रो कर कहा सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए,
मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं आजीवन आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। बच्चों, इसके पहले शब्दार्थ में हमने आपको बताया था कि आपके पाठ का एक मुहावरा है, अर्थात पत्थर में जोंक न लगी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। किस पर? सेठ जी पर। सेठ जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वे बहुत क्रोध में उत्तर दिए, जाती है या नौकरों को बुलाऊं। अंधी बिचारी लाठी टेक कर खड़ी हो गई किसी तरीके से और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चों, यह उसका आशीष नहीं था, अर्थात वो उस सेठ को आशीर्वाद नहीं दी थी, बल्कि उसका यह श्राप था। वह उस सेठ को श्राप के रूप में दिया था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई। उसके प्राणों के लाले पड़ गए, अर्थात प्राण उसके बहुत संकट में पड़ गए। उसका उस बच्चे का प्राण बचाना मुश्किल हो गया। उसके जीवन से बुढ़िया भी बहुत निराश हो चुकी थी। सेठ जी के उस अनुचित व्यवहार पर उसे रह रहकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं कौन सा उससे दान मांग रही थी या भीख मांग रही थी। मैं तो अपने दिए गए रुपए से कुछ रुपए ही मांग रही थी, फिर भी उसने नहीं दिया। बच्चों, सेठ जी से उसे बहुत घृणा हो गई। अब बिचारी वो क्या करती, कुछ नहीं, बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चे को लेकर के उस सेठ के यहाँ चलते हैं। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती किसी तरीके से वो सेठ के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां जाकर वो सेठ के दरवाजे पर धरना पर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी जो है उस सेठ के लिए भभक रहा था। कुछ देर बाद सेठ जी पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें याद आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांग पर एक लाल रंग का चिन्ह था। ऐसा विचार करते ही उसने उस बुढ़िया की गोद के बच्चे की जांग पर वो लाल रंग का चिन्ह देखने लगे। उस बच्चे की जांग पर लाल रंग का चिन्ह तो था, लेकिन वो कुछ बड़ा हो गया था, इसलिए कि उसकी उम्र के साथ साथ वह लाल रंग का चिन्ह भी बड़ा हो गया था। अब सेठ जी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, उसे उठा करके तुरंत अपनी छाती से लगा लिया, अर्थात अपने सीने से उसको चिपका लिया और तुरंत अपने नौकरों को जो है डॉक्टर को लेने के लिए भेज दिया और खुद उस बच्चे को लेकर के मकान के अंदर चला गया। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ले, मेरे बच्चे को ना लो, मेरे बच्चे को ना लो, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। ऐसा कर करके वह बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाखों प्रयत्न करके मैं अपने बच्चे के प्राण बचाऊंगा। अब क्या था, वो बुढ़िया बहुत जोर का ठहाका लगाया और जोर जोर से हंसने लगी।
उसने कहा, अच्छा बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, और मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? या तो अन्याय है ना, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको मैंने पाला पोषा, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, अब बेचारे क्या करते, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वे वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या समझो कि दवा ने कुछ असर किया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान में उस बुढ़िया के लिए शब्द निकला, माँ। और वह माँ माँ करके आवाज देने लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा चारों ओर अपरिचित चेहरे, देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए, अर्थात उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उस समय से उसका बुखार फिर धीरे धीरे अधिक होना शुरू हो गया। अब सेठ जी को चिंता हुई, उन्होंने सोचा अब क्या करें जिससे कि इसका बुखार उतर जाए। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी तैयार करवाई और उस बुढ़िया की ओर झोपड़ी की ओर निकल पड़े, और वे बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी, उसमें कोई दरवाजा नहीं था। वे अंदर गए, अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। वही सेठ जी जो इस तरीके से बुढ़िया का तिरस्कार करके उसे अपने दरवाजे से भगा दिए थे, वही सेठ जी आज उस बुढ़िया के दरवाजे पर आकर के अपने बच्चे की जान के लिए उस बुढ़िया से भीख मांग रहे हैं कि चल करके वो उस बच्चे को बचा ले। अब बुढ़िया भी बिचारी क्या करती, उसने भी इतने दिनों तक उस बच्चे से ममता रखा था, उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी उसके लिए प्यार उमड़ ही पड़ता था। अब बुढ़िया की ममता ने उसे विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो सेठ जी, उस बुढ़िया को सहारा देकर उसे बाहर लाए और उसे उस गाड़ी पर बिठा दिया। अब गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय उस सेठ जी और उस भिखारन दोनों की एक ही जैसी दशा थी। अब बच्चों इसमें ना कोई धनी था और ना कोई भिखारन था, यहाँ पर बच्चे की ममता के कारण दोनों एक जैसे हो चुके थे। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। अब सेठ जी की कोठी आ गई, सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए, और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन तुरंत पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोले, अपनी आंखें खोल दी और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा
तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन को के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ, वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी, अर्थात वह अच्छा होने लगा। 10-15 दिनों के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मोहन के पूरी तरह से ठीक हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली बुढ़िया के हाथ में दे दी। कौन? सेठ जी। जो सेठ जी मांगने पर भी उसे नहीं दे रहे थे, वही सेठ जी अपने आप उस पैसों की थैली को उस बुढ़िया को दे दिया। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा कि सेठ जी, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा यह अपराध माफ करना। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना, क्योंकि अब जब हमारा बेटा यहीं पर है, मैंने जितने भी रुपए कमाए थे उसी के लिए कमाए थे, अब हमें पैसों की क्या जरूरत। और वह अंधी लाठी टेकती हुई चल दी। तो बच्चों, इस तरीके से वह बुढ़िया निस्वार्थ रूप से अपने बच्चे की नहीं, बल्कि उस सेठ की ही बच्चे की ही इतने दिनों तक उसकी पाल उसको पालन पोषण की उसका, और उसको प्यार दी। लेकिन अगर समय पड़ने पर वो सेठ जी के पास गई, तो सेठ जी ने उसको किस तरीके से धुतकार कर भगा दिया था। अंत में वो बच्चा सेठ जी का ही निकला और सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। तो बच्चों, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें आगे चलकर कभी भी अपने ही द्वारा कही हुई बातों का कुछ पछतावा हो। तो बच्चों, अब आपका पाठ समाप्त हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना और समझा होगा। तो अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अब हम अपना अभ्यास कार्य करते हैं, तो आइए हम अभ्यास कार्य करें। बेटा, बच्चों, आप लोगों के अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन कहाँ खड़ी होती थी? उत्तर, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती थी। बुढ़िया हांडी में क्या रखती थी? बुढ़िया हांडी में पैसे रखती थी। रुपयों से भरी हांडी बुढ़िया ने किसे रखने को दी थी? बच्चों, रुपयों से भरी हुई हांडी बुढ़िया ने सेठ बनारसी दास को रखने को दी थी। बालक का नाम क्या था? बालक का नाम मोहन था। अब प्रश्न 5 है आपका, सेठ जी ने हांडी लौटाना चाहा, तब क्या हुआ? बच्चों, सेठ जी ने जब हांडी लौटाना चाहा, तब अंधी बुढ़िया ने कहा कि अब हम इन पैसों को क्या करेंगे, मैंने तो ये पैसे मोहन के लिए इकट्ठा करके रखा था, इसलिए जब मोहन हमारे पास नहीं है तो हम इन पैसों को लेकर के क्या करेंगे, ये पैसा तो मोहन का ही है। और वो अंधी बुढ़िया उन पैसों को नहीं लेती है। तो बच्चों, ये आपके प्रश्न हो गए। अब आइए चलते हैं कुछ
उपसर्ग और उनके मूल शब्द की तरह। पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है तब वह उपसर्ग कहलाता है। अब हम इन शब्दों में जुड़े उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करेंगे। शब्द हैं सहृदय, आशंका, आजीवन, प्रयत्न, असत्य। सहृदय है उसका उपसर्ग होगा सा और मूल शब्द है हृदय। आशंका आ उपसर्ग, शंका मूल शब्द। आजीवन में आ उपसर्ग, जीवन मूल शब्द। प्रयत्न में प्र उपसर्ग, यत्न मूल शब्द। असत्य में आ उपसर्ग, सत्य मूल शब्द। तो बच्चों, उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, मूल शब्द में शब्द अलग थे और उपसर्ग लगने के बाद उनका अर्थ बदल गया था। तो बच्चों, अब आपका संपूर्ण पाठ समाप्त होता है और आप लोगों ने अच्छे से पाठ को सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद।